अगले 9 दिन बाद क्या होने वाला है? क्या दुनिया का अंत करीब है? क्या 29 अप्रैल को हो जाएगा दुनिया का महाविनाश? क्या हमारी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी? नासा ने की 29 अप्रैल को लेकर नई जानकारी साझा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। ये वायरस अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 24 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस के चपेट में हैं। तो कुछ लोग मान रहे हैं कि 2020 में दुनिया का अंत हो जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आगामी 29 अप्रैल को पूरी दुनिया का विनाश यानी कि एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। क्या किया जा रहा है दावा? दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि आगामी 29 अप्रैल यानी एक महीने बाद इस दुनिया से मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। वीडियो में बताया जा रहा है कि आगामी 29 अप्रैल इस दिन एक एस्ट्रॉइड जिसकी लंबाई हिमालय जितनी है वो पृथ्वी से टकराएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या है सच? ये बात सच है कि 29 अप्रैल 2020 को एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से गुजरेगा, लेकिन ये पृथ्वी से करीब 4 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा। नासा के मुताबिक 29 अप्रैल 2020 को 52768 यानी 1998 OR2 नाम का एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से करीब 4 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा, जिसका पृथ्वी पर कोई असर नहीं होगा। आपको बता दें कि एस्ट्रॉइड 1.8 किलोमीटर से 4.1 किलोमीटर के अनुमानित व्यास वाला है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तब इसकी गति 20,000 मील प्रति घंटा होगी। 1998 OR2 का ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से करीब 3.9 मिलियन की दूरी से गुजरेगा। ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के मुकाबले लगभग 16 गुना है। तो ये बात साफ है कि इसका पृथ्वी पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला। दुनिया खत्म होने जैसे सारे दावे झूठे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।